बोल देते हैं, बोल नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, वो बात अलग है। गठबंधन के नाते वोट दिए थे भैया, गठबंधन के नाते वोट दिए थे तो दिए थे ना आपको, गठबंधन को वोट दिए थे हमको नहीं दिए थे, हम नहीं दिए हमको, गठबंधन को दिए हैं। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूँ सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के शो के साथ, जिसका नाम है आज क्या खबर। भाई, सोशल मीडिया पर ओम प्रकाश राजभर का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर घोसी उपचुनाव में काफी दमखम से जो है बीजेपी को जिताने में लगे हुए, लेकिन इसी बीच ओम प्रकाश राजभर का एक ऐसा वीडियो वायरल होता है जिसमें वो जनता के बीच रहते हैं और जनता से सवाल जवाब हो रहा है। जनता कुछ बात को लेकर उनसे कुछ कुछ सवाल कर रही है और वो कह रहे हैं कि भैया आपने पिछली बार वोट जो है वो हमको थोड़ी दिया था, आपने गठबंधन को वोट दिया था। तो लोग कह रहे हैं कि नहीं भैया, हमने आप ही को दिया था। अब किसी काम को लेकर चर्चा हो रही होगी, लेकिन इस वीडियो की पुष्टि जो है वो यूपी तक नहीं करता, लेकिन इस वीडियो को लेकर सपाइयों ने धावा बोल दिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी कई नेताओं ने इस पर ट्वीट किया, जिसमें खासकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय वाराणसी से सपा छात्र नेता राज सिंह यादव का वीडियो है। दरअसल इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, पियर का चाचा की स्थिति तो दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, जनता से विनम्र अपील है कि कोई लात घूसा से नहीं मारेगा पियर का चाचा को। वहीं कुछ और नेता जो है लिखते नजर आए कि राजभर समाज जाग चुका है, दोबारा बहुरूपिये के चक्कर में नहीं पड़ने वाला, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, वो बात अलग है। गठबंधन के नाते वोट दिए थे भैया, गठबंधन के नाते वोट दिए थे तो दिए थे ना आपको, गठबंधन को वोट दिए थे हमको नहीं दिए थे, हम नहीं दिए हमको, गठबंधन को दिए हैं। अब जैसे ही सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ, फौरन जो है लोग सकते में आ गए कि आखिरकार ओम प्रकाश राजभर को किन मुद्दों पर जो है लोगों ने घेर लिया और क्यों ओम प्रकाश राजभर जो है कहते नजर आ रहे हैं कि भैया आपने वोट हमको नहीं दिया, आपने वोट जो है गठबंधन को दिया था। अब इस मुद्दे को लेकर जब ये वीडियो पहुंचा सुबह सपा के पास, तो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेताओं ने भी इस पर जो है ट्वीट किया, बकायदा जवाब दिया कि ये वीडियो कब का है और कौन इसे वायरल कर रहे हैं और क्यों वायरल कर रहे हैं। दरअसल ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर ने इसका जो है जवाब दिया। बकायदा समाजवादी पार्टी के छात्र नेता जो इस वीडियो को वायरल कर रहे थे राज सिंह यादव, उन्हीं के ट्वीट पर जो है जवाब देते हुए उन्होंने लिखा कि सही में बुद्धि नहीं आएगी कभी, ये घोसी का नहीं है, कृपया अफवाह ना फैलाएं, ये वीडियो गाजीपुर का है जो फर्जी मुकदमे को लेकर जो है लोगों के बीच वार्ता हो रही है, वोट के लेकर कोई बातचीत नहीं है। तो साफ तौर पर ओम प्रकाश राजभर के बेटे का कहना है कि जो बातचीत चल रही है वो बातचीत वोटों के लिए नहीं है, वो बातचीत जो है किसी मुकदमे को लेकर यहाँ पर हो रही थी। और वहीं डॉक्टर वीरेंद्र यादव का जवाब देते हुए उन्होंने लिखा कि ये घोसी का नहीं है, माननीय विधायक जी कृपया अफवाह ना फैलाएं, ये वीडियो गाजीपुर का है, फर्जी मुकदमे को लेकर लोगों के बीच वार्ता हो रही है, वोट को लेकर कोई बातचीत नहीं है, आपको तो हम अच्छा विधायक समझते थे, आप तो झूठों के सरदार निकले, 2027 आपको जवाब मिलेगा। तो बकायदा समाजवादी पार्टी के नेता लगे हुए थे ओम प्रकाश राजभर के इस वीडियो को शेयर कर साफ तौर पर घोसी उपचुनाव में ये जवाब दिखाने में कि देखिए ओम प्रकाश राजभर को लोग जो है वो घेर कर सवाल कर रहे हैं और ओम प्रकाश राजभर क्या जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं अरुण राजभर ने अलग से एक पोस्ट पूरा प्रॉपर किया इस पर एक्सप्लेन करते हुए, उन्होंने लिखा कि सपा झूठ और मक्कारी गुंडागर्दी के सहारे वोट लेना चाहती है, लेकिन घोसी की जनता इनको सिर्फ झुंझुना ही थमाएगी, जनता को गुंडागर्दी और अराजकता नहीं चाहिए। 6 वर्ष पुरानी वीडियो जो गाजीपुर की है, जिसमें फर्जी मुकदमे को लेकर लोगों के बीच वार्ता हो रही है, उसी को कट पेस्ट एडिट करके जो अफवाह फैलाने की कोशिश सपा कर रही है, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला, घोसी उपचुनाव में कमल खिलेगा, सपा साफ होगी, सुबह सपा की ताकत और बढ़ेगी, सपा की बौखलाहट, हताशा, निराशा सब साफ दिख रही है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर के बेटे तो यार जवाब देते सबको नजर आए, लेकिन ओपी राजभर की तरफ से किसी प्रकार का कोई इस पर स्पष्टीकरण नहीं आया। लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी तेजी से वायरल है और घोसी उपचुनाव को लेकर जो है ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ओम प्रकाश राजभर यहाँ पर बीजेपी का साथ दे रहे हैं और बीजेपी के साथ जो है ऐसे दे रहे कि जी जान से लगे हुए गांव गांव में जाकर राजभर कम्युनिटी से मिल रहे हैं, उनके बीच बैठ रहे हैं, उनसे जो है बातचीत करके जो है बीजेपी के कैंडिडेट यानी दारा सिंह चौहान को जिताने की जो है वो वहां पर रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। तमाम लोगों के बीच जा जाकर उन्हें संदेश दे रहे कि किस प्रकार से
समाजवादी पार्टी और बीजेपी में दोनों में काफी अंतर है, ये राजभर कम्युनिटी को वो बता रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर इस वीडियो को लेकर किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण नहीं सामने आया, यूपी तक इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा का विषय तो ये बना हुआ है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। भैया, इसके अलावा यूपी रोडवेज की बसें हो या फिर यूपी पुलिस की जिप्सी हो, उनके वीडियो काफी देर से वायरल हुआ। इसी में एक वीडियो जो यूपी कांग्रेस ने शेयर किया और उसे लिखा, जोर लगा के हईशा, अमेठी में बाबा की पुलिस की रफ्तार थम गई है, महारानी जी के क्षेत्र में पुलिस वालों के पास ऐसी गाड़ी है जिसे धक्का ना दें तो चालू ही नहीं होगी। माने अपराधी अगर इनके सामने से कोई अपराध करके निकल जाए तो भी ये बेचारे हाथ पर हाथ रखे रहने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। अब इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पुलिस की जिप्सी है, उसको बकायदा पीछे से कई सारे लोग जिसमें कुछ वर्दी पहने हुए भी हैं, वो जो है धक्का मार के इसे स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसी कंडीशन को लेकर जो यूपी कांग्रेस साफ तौर पर कहती कि भैया बताइए कि अगर सामने से कोई अपराधी अपराध करके निकल जाए तो ये पुलिस वाले जो है हाथ पर हाथ रखे बैठ ही पाएंगे, इनके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं, जब तक गाड़ी पर धक्का ना मारे तब तक गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। हालांकि इस वीडियो को लेकर अमेठी पुलिस या किसी प्रकार से यूपी मुख्यालय की तरफ से पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो है इस पर जवाब नहीं आया, कोई स्पष्टीकरण नहीं आया, लेकिन ये सोशल मीडिया पर वीडियो काफी तेजी से वायरल है और इसकी पुष्टि भी यूपी तक नहीं करता, सोशल मीडिया पर लगातार ये वीडियो भी चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसी के साथ खत्म होता है आज के वायरल खबरों का हिसाब किताब। जाते जाते सुनिए कि अब यूपी से जुड़ी तमाम खबरें आप पढ़ सकते हैं यूपी तक की वेबसाइट पर, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। तमाम ऐसे वीडियोज और अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।